जनता के नुमाइंदे जनता की कितनी परवाह करते हैं, इसका अंदाजा उनके जरिए सदन में पूछे गए सवालों से लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि एमपी में सबसे कम विधायकों वाली बीएसपी विधानसभा में जनता के हितों पर सवाल उठाने में अव्वल रही। जहां तक सत्तारूढ़ दल भाजपा की बात है, तो इस मामले में भाजपा के विधायक सबसे पीछे है। दरअसल 14वीं विधानसभा में विधायकों के सवाल पर एमपी इलेक्शन वॉच ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें यह बात सामने आई है कि विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाने में बसपा के विधायक सबसे आगे हैं। मौजूदा विधानसभा में 209 विधायकों ने सदन में कुल 51,389 सवाल पूछे। दिलचस्प बात यह है कि सदन में बसपा के सिर्फ 4 विधायक हैं, लेकिन जनहित के मुद्दों पर सबसे ज्यादा सवाल बसपा ने पूछे। बसपा के बाद सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस के विधायकों ने किए। कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत ने 5 सालों में 600 से ज्यादा सवाल किए। उसके बाद कांग्रेस के ही मुकेश नायक, गोविंद सिंह, आरिफ अकील, निशक जैन। जहां तक भाजपा विधायकों की बात है, तो विधायक रमेश मेंदोला तो पूरे 5 साल में सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सके। विधानसभा में एकमात्र एंग्लो इंडियन विधायक लारेन बी लोबो ने तो 5 साल में एक भी सवाल नहीं उठाया। सबसे कम सवाल पूछने वाले विधायक सत्ता पक्ष बीजेपी के ही रहे। बसपा के हर एक विधायक ने औसतन 332 सवाल उठाए, तो कांग्रेस ने 350, निर्दलीय ने 250 सवाल और सत्तारूढ़ बीजेपी विधायकों ने औसतन 197 सवाल ही पूछे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।